हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी और टॉपर्स बायोलॉजी की नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में भी आप सबका स्वागत है बच्चों आज हम देखेंगे नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव सो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव दिस क्वेश्चन वॉज आस्क इन नीट टू एग्जाम सो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है वो है डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसिस इन केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय मीन के क्वेश्चन आपका ये है कि केमिकल रिएक्शन में रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियसिस एंजाइम यूज करके जो हम डीएनए फ्रैगमेंट फ्रेगमेंट बनाते हैं तो ये जो डीएनए फ्रैगमेंट फ्रेगमेंट है इसको हम किस मेथड से मतलब यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड आपको दी हुई है तो इनमें से कौन सी मेथड से हम डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं तो जैसे हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन ए सेंट्रीफ़्यूगेशन, ऑप्शन बी पोलिमरिस चेन रिएक्शन विच इज कॉमनली नोन एज ए पीसीआर ऑप्शन सी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी रिस्ट्रिक्शन मैपिंग तो बच्चों ये सारी जो प्रोसेस है तो इनमें से कौन सी प्रोसेस से जो डीएनए हम बनाते हैं केमिकल रिएक्शन में जहां पे हम एंजाइम यूज करते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियसिस तो जो डीएनए फ्रेगमेंट हमारा बनेगा उस डीएनए फ्रेगमेंट को उस केमिकल सॉल्यूशन में से कैसे हम सेपरेट करते हैं तो जैसे हम वन बाय वन सबको देखते हैं तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रिफिकेशन अब बच्चों जैसे सेंट्रीफ़्यूगेशन का मतलब क्या होता है तो सेंट्रीफ़्यूगेशन एक मेथड है जहाँ पे हम डिफरेंट डेंसिटी वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल कि जिनकी डेंसिटी डिफरेंट है सो so, डिफरेंट डेंसिटी वाले जो मॉलिक्यूल है उनको हम सेपरेट करते हैं ये जो अलग अलग डेंसिटी वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं जिनको एक सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है और उस सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद उनको एक एग्जिस पे एक एग्जिस पे आप देखोगे तो इनको स्पिनिंग किया जाता है एट अ हाई स्पीड सो दैट प्रोसेस इज नॉन एज ए सेंट्रिफिकेशन तो क्या होगा सेंट्रिफिकेशन तो सेंट्रिफिकेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट डेंसिटीज बाय स्पिनिंग देम इन सॉल्यूशन एट अ एट अ हाई स्पीड हाई स्पीड तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रिफिकेशन अब जैसे पोलीमरस चेन रिएक्शन जिसको जनरली हम बोलते हैं पीसीआर। तो पीसीआर क्या है तो पीसीआर इज अ इज डीएनए रेप्लिकेशन इन अ ट्यूब। मतलब यहां पे हम क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर सिंपली जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज अ पोलीमरस चेन रिएक्शन जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो हम बाद में देखते हैं और जो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग है तो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग मीन्स क्या तो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग जहाँ पे हम क्या करते हैं जो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन होती है उसको डीएनए जो पीस होता है पीस ऑफ डीएनए उसके ऊपर हम अपटेन करते हैं मीन्स के रिस्ट्रिक्शन मैपिंग मीन्स इट इज मेथड इट इज अथड इन विच अपटेनिंग द स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन ऑन अ पीस ऑफ डी एन ए बाई यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एनजाइम रिस्ट्रिक्शन एनजाइम तो अगर हमारा राइट right ऑप्शन आप देखोगे तो हमारा राइट right ऑप्शन होता है ऑप्शन सी इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि डी एन ए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन अ केमिकल रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाई बाय द प्रोसेस इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस सो ये हमारा राइट right ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बच्चो ये क्वेश्चन जीनेटिक में से लिया गया है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो आप इसको लिख भी सकते हो ओके सो बच्चों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडेज लेक्चर सो ऐसे ही अमेजिंग प्रीवियस ईयरस बायोलॉजी क्वेश्चन के लिए मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए और कीप स्टडिंग कीप अपना ख्याल रखिए थैंक यू